यार आज की इस वाली वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं चार्ली चार्ली घोस्ट गेम, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा डरावना होने वाला है और मैं अकेला नहीं खेलने वाला, मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी आने वाले। तो फटाफट से देख सकते हो भाई फ्रैंकलिन सुबह उठ के मस्त वर्कआउट वगैरह कर लिया है, अभी ना ये बाहर जा रहा है और अपने दोस्तों का इंतजार करने के लिए। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फाइनली देख सकते हो भाई ये लोग आ भी चुके हैं, अभी ना इनसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं कि वो गेम कहाँ पर मिलने वाला है। और देख सकते हो भाई ये लोग कुछ हॉरर हाउस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि भाई एयरपोर्ट के साइड है। तो फटाक से देख सकते हो भाई उसने मेरे को एक वीडियो क्लिप भी दिखाई। और हाँ गाइस, ये घर थोड़ा सा देखने में डरावना तो लग रहा है लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोग यहाँ पे जा ना सकें। और भाई मेरे दोस्त बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो जाता है उसकी मतलब की डेथ हो जाती है और उस घर को पूरा गांव वालों ने कवर कर रखा है। तो भाई फटाफट से ये बोल रहा है कि मुझे भी जाके देखना चाहिए। तो भाई वो दोनों तो निकल चुके हैं अपने घर पर, कुछ काम था तो उन्होंने बताया कि भाई फ्रैंकलिन अगर तुझे जाना होगा तो जाके देख लेना। वैसे फ्रैंकलिन भूत प्रेत पर तो विश्वास करता नहीं है लेकिन फिर भी वो जाके देखेगा एक बार कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं, क्योंकि भाई इसके फ्रेंड है जो कि बोल रहे हैं तो भाई देखना तो बनता है। और मुझे कहाँ पे जाना है, एयरपोर्ट के पीछे वाली साइड पे और पेट्रोल पंप के लेफ्ट वाली जो रोड बनी हुई है वहाँ पे जाना है। तो देख सकते हो भाई अभी ना हम लोग पेट्रोल पंप के साइड आ चुके हैं, अभी ना यहाँ लेफ्ट वाली रोड पर सीधा चलते हैं। वैसे ये वाली रोड तो रेलवे ट्रैक की साइड जाती है लेकिन चलते हैं देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से, और वीडियो को लाइक भी कर देना। और वेट भाई देख सकते हो यहाँ पर कुछ लोड हुआ और इसमें मुझे लगता है भाई कुछ ना कुछ अब गलत सीन होने वाला है। और देख सकते हो भाई जैसा कि बताया था मेरे दोस्तों ने कि इस घर को पूरा पैक कर रखा है कि एक तरफ से भी खुला ना हो। तो देख सकते हो भाई ऊपर से नीचे से सब जगह पूरा का पूरा पैक है। लेकिन भाई हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, बस ऐसे साइड साइड में घूम लेंगे। और ये क्या हुआ भाई, हम लोग तो वहाँ पे थे यहाँ पे कैसे आ चुके भाई, हमने सिर्फ वहाँ पे इतना ही बोला ऐसे साइड साइड में घूम लेंगे और आप लोगों ने देखा हम लोग अपने घर के साइड आ चुके हैं। और वेट भाई आगे देख सकते हो कुछ लोड हो रहा है, मुझे जाके फटाफट से देखना होगा। और जैसा कि भाई मेरे दोस्तों ने बताया था कि वहाँ पे कुछ भूत प्रेत है तो मुझे अभी ना थोड़ा सा सच लग रहा है लेकिन अभी भी पूरा 100% यकीन नहीं है। अभी ना मुझे जाना होगा इसके अंदर और देखना होगा कि इसके अंदर क्या होने वाला है। और अंदर जाने से पहले भाई मैं गन वगैरह निकाल लेता हूँ क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता है और अपनी जान भी जा सकती है। तो देख सकते हो भाई कुछ बोर्ड वगैरह लगा रखा है लेकिन अभी ना हम लोग फटाक से पहले गन निकाल लेते हैं, उसके बाद कुछ भी करने वाले हैं आगे। तो देखते हो भाई यहाँ से दो रास्ता दिखता है तो भाई अभी ना हम लोग राइट साइड में जाने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आगे की ओर कुछ तो दिख नहीं रहा है लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो होगा क्योंकि इतना जब सब कुछ शांत हो तो जान लो भाई कुछ बड़ा खतरा होने वाला है। तो फटाफट से पहले चेक कर लेते हैं और जो भी खतरा होगा तो उससे डरने की कोई बात नहीं क्योंकि भाई अपने पास गन है। लेकिन भाई भूत होगा तो वैसे भूत तो मैं मानता नहीं। ओ वेट भाई ये कहा क्या, देख सकते हो भाई मकड़ी आ चुकी है और फाइनली फ्रैंकलिन ने उसे ख़त्म कर दिया, मतलब भाई मरते मरते फ्रैंकलिन बचा है। और अभी ना पूरा का पूरा मुझे ध्यान से देखना होगा नहीं तो अगर ऐसे कुछ और भी आ गया और फ्रैंकलिन को कुछ भी हो सकता है। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे भाई मैंने इतने सारे स्पाइडर यहाँ पे ख़त्म कर दिए और देख सकते हो भाई जितने ख़त्म करते जाओ उससे ज़्यादा यहाँ पे स्पॉन होते जा रहे मतलब भाई इतने ज़्यादा मैंने मार दिए। और देख सकते हो भाई अब तो दो दो तीन तीन करके आ रहे हैं और इससे पहले तो भाई पहले चार चार पाँच पाँच करके आ रहे थे जो कि भाई मैंने वीडियो कट कर दिया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। और अभी देख सकते हो भाई हम लोग लास्ट वाली टर्न में आ चुके हैं और ये लास्ट वाला गेट होने वाला है और मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोग को कुछ मिलने वाला है। तो फटाक से देख सकते हो भाई यहाँ पे मुझे एक पेपर मिला है जिसमें यस नो नो एस लिखा हुआ है और इसकी मदद से हम लोग कुछ तो कर सकते हैं मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि आप लोग को याद होगा हम लोग उस घर पर गए थे और सीधा रीडायरेक्ट होके हम लोग अपने घर के साइड आए थे और ये टनल बनना स्टार्ट हो चुकी थी। तो अभी ना मैंने उस पेपर को उठा लिया है, फटाफट से यहाँ पे बहुत ही ध्यान से निकलना होगा अपने घर की ओर और घर पे जाके अपने दोस्तों को बुलाएंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि भाई इस पेपर का क्या करना है। तो गाइस अभी ना मेरे दोस्तों से बात हो चुकी है, उन लोगों ने बताया कि भाई तुम्हें घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तुम्हें सीधा निकलना होगा उस भूतिया हाउस के पास और तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद एक पेंसिल को ढूंढना होगा और
उसके बाद हम तीनों मिलके एक गेम को खेलने वाले, मतलब वो गेम कौन सा होने वाला, क्या होने वाला अभी तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। अभी देख सकते हो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अभी ना मुझे एक लोकेशन मिलने वाली है और मुझे वहाँ पे जाना है। तो ओके गाइस, उस पेपर को मैंने यहाँ पे रख दिया है, मतलब इस भूतिया हाउस के पास में, और मेरे फ्रेंड का कॉल आया था कि भाई तुम दूसरी लोकेशन पर चले जाओ और उस पेंसिल को ले आओ। तो अभी देख सकते हो भाई हम लोग निकल चुके हैं, बस इसी पहाड़ी पर होने वाला है और यहाँ पर भी हम लोग को कुछ मिशन करने को मिलने वाला है, ऐसा मेरे दोस्त ने बोल रखा है। तो देख सकते हो भाई सामने यहाँ पे तो ईगल मॉन्स्टर खड़ा हुआ है, और इस ईगल मॉन्स्टर से मुझे क्या मिशन करना है अभी ना मेरे को कुछ भी नहीं पता। फटाक से पहले हम लोग यहाँ से नीचे उतर लेते हैं, और अभी ना यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे लगता है कि इन लोगों को ख़त्म ही करना है। तो पहले मैंने देख सकते हो पिस्टल निकाल ली, एक को फायर करके देखते हैं। ओ भाई देख सकते हो ये तो मेरे पे अटैक करने के लिए आ रहा है, फटाफट से पहले इसे हम लोग ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होने वाला है। देख सकते हो भाई मैंने एक को मार दिया और दूसरा भी अटैक करने के लिए आ चुका है, फटाफट से इसे भी ख़त्म करते हैं। और मुझे लगता है भाई इन सारे लोगों को ख़त्म करना होगा, मतलब सारे ईगल मॉन्स्टर को, उसके बाद हम लोग को इजीली पेंसिल मिल जाएगी। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए ख़त्म करते हैं। वैसे इस गन से मारेंगे तो भाई थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अभी ना हम लोग अपनी थार से इन लोगों को मारने वाले, सीधा थार को चढ़ा देंगे और ये लोग एक ही बार में सारे ख़त्म हो जाएंगे। और देख सकते हो भाई सारे के सारे मुझे लगता है कि ख़त्म हो चुके हैं अभी ना घुमा के। ओ भाई मुझे लगता है एक बचा हुआ है शायद, फटाफट ओ दो बचे हुए हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग को पेंसिल कहाँ पे यहाँ पे मिलने वाली है। तो देख सकते हो एक ये गया और दूसरा ये, फाइनली देख सकते हो भाई मैंने सबको ख़त्म कर दिया अभी, और अभी ना मुझे पेंसिल मिल जानी चाहिए। लेकिन भाई देख सकते हो भाई मेरे साथ चीटिंग हो रही है, देख सकते हो मैंने अभी अभी ईगल मॉन्स्टर को ख़त्म किया और यहाँ पर देख सकते हो स्नैक मॉन्स्टर आ चुके हैं। अभी ना बिना टाइम वेस्ट किए इन लोग भी ख़त्म कर देते हैं, मुझे लगता है भाई इन सबको मारने के बाद ही वो पेंसिल मुझे मिलने वाली है। तो भाई ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ फटाफट से अपनी थार को उठाते हैं और जैसे मैंने ईगल मॉन्स्टर को मारा था वैसे हम लोग ईगल स्नैक मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ा देते हैं और एक ही बार में सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और देख सकते हो भाई ईगल मॉन्स्टर भी बहुत सारे हैं, तो एक एक करके सारे के ऊपर चढ़ाते हैं और देख सकते हो भाई एक बार में ही आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं, बस थोड़ा देर का और मिशन बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग को पेंसिल मिल जाएगी और फिर लेकर जाके देखेंगे और अपने दोस्तों को भी बुला के लाएंगे। हम लोग अकेले गेम को नहीं खेलने वाले, उन लोगों को भी बुला के लाएंगे ताकि पता तो चले भाई गेम में क्या होने वाला है, अगर भूत वगैरह आ जाएगा तो भाई हम लोग कैसे बचेंगे। तो अभी देख सकते हो भाई मैंने यहाँ पे सारे ईगल मॉन्स्टर को मार दिया है और भाई इन लोग को मारते मारते बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया और फाइनली मुझे पेंसिल भी मिल चुकी है। और इस पेंसिल का क्या यूज़ होने वाला है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, तो फटाफट से लेके इस पेंसिल को निकलते वही लोग बताएंगे। और देख सकते हो भाई रात भी हो चुकी है भाई, मतलब कुछ डरावना डरावना तो लग रहा है, और उस वाले घर के पास जाएंगे तो और भी कुछ गलत सीन हो सकता है। तो फटाफट से अभी ना मैं उन लोगों को कॉल कर देता हूँ कि भाई तुम जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाओ, मैंने सारा मिशन कंप्लीट कर लिया है, मैं पेंसिल लेकर भी आ चुका हूँ। लेकिन देख सकते हो भाई वो लोग यहाँ पर नहीं आए, तो फटाफट से एक बार फिर से कॉल करते हैं और देखते हैं वो कहाँ पर रुके हुए हैं। तो ओके गाइस अभी ना मेरे फ्रेंड आ चुके हैं और भाई इन लोगों से मैंने बात की तो ये लोग बोल रहे भाई तुझे ये नहीं पता वो चार्ली चार्ली गेम है जो कि भाई तूने स्टार्टिंग में बताया था। और आप लोगों ने देखा भाई बातें करते करते ऊपर से छत हट चुकी है और सामने एक गेट भी खुल चुका है। तो अभी ना फटाफट से अंदर चलते हैं और गेम को खेलने के बाद हम लोग पूरा पता करेंगे कि इस गेम में क्या होता है, कैसे खेला जाता है। तो देख सकते हो भाई अभी ना हम लोग अपने तीनों मतलब दोनों दोस्तों के साथ बैठ चुके हैं। तो ओके गाइस ये लोग बोल रहे तुम जल्दी से बोलो फ्रैंकलिन चार्ली चार्ली यहाँ पर तुम हो। तो भाई मैं बोलता हूँ चार्ली चार्ली क्या यहाँ पर तुम हो, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। देख सकते हो भाई फिर से एक बार बोलता हूँ चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ पर हो। और वेट भाई देख सकते हो पेंसिल घूम चुकी है और यहाँ पे तो यस पे जाके रुक चुकी है। अभी ना भाई मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका हूँ, वैसे मेरे को डर तो वैसे नहीं लगता है लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। और वेट भाई पीछे से क्या आ रहा है, ओ भाई साहब भाई मैं तो बहुत बुरा फंस गया, बस आप लोग सब्सक्राइब करके मेरी जान बचा सकते हो।